तो फाइनली मारुति सुजुकी ने लॉन्च कर दिया है आज नई स्विफ्ट को भारत में। 6.5 लाख रुपए से लेकर 9,64,000 रुपए में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। आपको AMT ट्रांसमिशन भी मिलने वाला है और ये जो गाड़ी खड़ी है ना, इसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं। क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट डिजाइन की। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो ऑल न्यू आपको यहाँ पे बोनट दिखाई देने वाला है, ऑल न्यू बम्पर आपको दिखाई देने वाला है, ग्रिल को चेंज किया गया है, न्यू आपको हेडलाइट्स मिलने वाली हैं जो काफ़ी स्टाइलिश हैं। और इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं, जैसे कि आप ये पार्ट देखेंगे, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर ये रेड इंसर्ट जो लगाए गए हैं, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर यहाँ पर ग्रिल है इसकी, और काफ़ी स्टाइलिश लुक आती है। कहीं ना कहीं मिनी कूपर की आपको झलक नज़र आने वाली है, वो वाली आपको फील आने वाली है इसकी गाड़ी के फ्रंट डिजाइन के अंदर। अच्छा, इसमें इंजन भी चेंज किया गया है। और साइड में पहले बात करें तो साइड में आपके यहाँ पे नए अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, और साइड के अंदर भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज लगी हुई हैं इस पर्टिकुलर वेरियंट के अंदर, जैसे कि इसकी ORVM के ऊपर यहाँ पर स्टिकर्स लगे हुए हैं, साइड में ये रेन वाइजर्स लगे हुए हैं, और साइड लुक भी इस गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव बना दी। और ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इस गाड़ी का, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ से जो लुक्स है ना, ये आप जो लाइन देखेंगे ना, ये पूरी गाड़ी के आउटर साइड पर ट्रैवल करती है। और ये रेड इंसर्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, गोल आपको यहाँ पर फ्यूल लिड कवर मिलने वाला है, और अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा रखा गया है गाड़ी का। और वहीं पर बात करें पीछे की, तो पीछे भी इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी एक्सेसरीज लगी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पॉइलर लगा है और उसके ऊपर रेड इंसर्ट्स हैं। काफ़ी स्टाइलिश दिखाई देने वाली आपको यहाँ पर LED टेल लाइट्स मिलने वाली हैं। और अगर आप डिज़ाइन की बात करें, जो फ्रंट की बात कर लीजिए, चाहे साइड की बात कर लीजिए, चाहे रियर की बात कर लीजिए, काफ़ी स्टाइलिश नज़र आती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नीचे भी इसमें कुछ एक्सेसरीज लगी हुई हैं, और इस तरीके का इसके अंदर बूट लगाया गया है। स्विफ्ट में जो बदलाव आया ना, 4th जनरेशन अवतार में लॉन्च की गई है, इसमें एक नया इंजन आया है, 3 सिलेंडर का इंजन है जेड सीरीज़ का, जो माइलेज आपको तकरीबन 25.5 किलोमीटर की देने वाला है ऑटोमेटिक के अंदर, और 24.8 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज मिलने वाली है इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। हालांकि पावर अगर आप कंपेयर करेंगे ओल्ड स्विफ्ट के मुकाबले, तो थोड़ी सी कम की गई है। पहले 90 PS की पावर आती थी, अब आपको मिलने वाली है 81 PS की, और 111 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। इस गाड़ी का एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू, माइलेज टेस्ट हम लेकर आने वाले हैं हमारे चैनल GaadiWaadi.com के ऊपर बहुत जल्द। और स्टाइलिंग की हम बात कर लेते हैं, पहले तो जो एक्सेसरीज लगी उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आपको साइड में ये वाइजर्स दिखाई देने वाले हैं, और उनके ऊपर स्टिकर्स दिखाई देने वाले, साइड के अंदर भी आपको ये क्लैडिंग दिखाई देने वाली जो ट्रैवल करती है पीछे तक, और इसके ऊपर पूरी के ऊपर रेड कलर के जो इंसर्ट्स हैं ना, वो हैं। ऊपर आपको यहाँ पर एक ये दिखाई देने वाला है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, एक आपको यहाँ पे स्पॉइलर, और रूफ़ के ऊपर भी यहाँ पर एक स्टिकर जॉब की गई है। और वहीं पर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में भी आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंज हुए हैं। यहाँ पर भी स्विफ्ट के अंदर काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। एक तो मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच, हेडरूम अच्छा है, गाड़ी की सीट को आप और नीचे कर सकते हैं, ये हमने इसको बिल्कुल नीचे कर दिया है। अभी जा ही रही है, काफ़ी पंप करना पड़ेगा। और ये देखिए हेडरूम लगभग अभी हो ही रही है, ज़्यादा पंप करने पड़ते हैं, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 इंच का आपको हेडरूम मिलने वाला है, कुछ इस प्रकार आप स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और इंटीरियर के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको बड़ा इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, सेम वही यूनिट जो बलिनों के अंदर आता है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज लगाई गई हैं, जैसे कि डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर ये एलिमेंट लगाया गया है, और ये AMT वेरिएंट है। यहाँ पर आपको जो पावर मिलती है वो 81 PS की पावर, 111 Nm का टॉर्क मिलता है, और AMT वेरिएंट के अंदर आपको माइलेज मिलने वाली है तकरीबन 25.5 किलोमीटर पर लीटर की। उसके अलावा जो इसका AC कंट्रोल का जो पैनल है, इसको चेंज किया गया है, यहाँ पे चेंज हुआ है। स्टीयरिंग के ऊपर बड़ी आपको लेदर रैपिंग मिलने वाली है, और इसके ऊपर क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, सारे फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें स्पीडो कंसोल की, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्पीडो कंसोल मिल जाएगा, सेंटर में आपको एक MID होगी, कलर TFT स्क्रीन के साथ में पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसका कंट्रोल इस साइड दिया गया है, और स्टार्ट स्टॉप फंक्शन के साथ में गाड़ी आती है। ESP और 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड रखा गया है इस गाड़ी के अंदर। और अगर हम बात करें कम्फर्ट की, तो बढ़िया आपको यहाँ पर स्पेस मिलने वाला है। मैं गाड़ी को अपनी ड्राइविंग पोजिशन पर सेट कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। अच्छा, इसमें सीट कवर भी लगाए गए हैं, ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये पैनल लगाए गए, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, और ये वाले फुट मैट्स हैं जो एक्सेसरीज़ का पार्ट है। वायरलेस मोबाइल चार्जर भी मिलने वाला है, USB पोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो अंदर से कुछ आपको ऐसा, अगर आप पीछे से देखेंगे डैशबोर्ड, तो पीछे से जो झलक है डैशबोर्ड की, वो आपको कुछ ऐसी मिलेगी। और इसके अंदर भी काफ़ी जगह आपको ये जैसे
इसके डोर ट्रिम्स हैं, उसके ऊपर ये वाला जो पैनल है ये एक्सेसरीज का पार्ट है, तो फुली एक्सेसरीज वर्जन यहाँ पे पार्क्ड है। पीछे कैसा स्पेस ऑफर करती है गाड़ी, तो पीछे यहाँ पर आपको ये मैं कर्टेन हटा देता हूँ, पीलो जो रखे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हेडरूम आपको मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। सब 4 मीटर से बिलोंग करती है, मतलब एडजस्ट हो गया, बैठ सकते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह इसमें नहीं मिलेगी आपको। पीछे भी सीट कवर्स आपको कुछ ऐसे दिखाई देने वाले हैं। जो पीछे एक बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है यहाँ पे एसी वेंट्स का, 2 USB पोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और एसी वेंट्स आपको पीछे मिलने वाले हैं। और यहाँ से जो डैशबोर्ड की जो लुक एंड फील है ना, अंदर से केबिन काफ़ी बड़ा फील होने वाला है आपको, एक बॉक्सी सा डिज़ाइन है तो अंदर से केबिन आपको काफ़ी फील होने वाला है बड़ा, और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे। अब ड्राइविंग में कैसी है वो तो हम बताएंगे आपको ड्राइव रिव्यू के अंदर। तो फाइनली स्विफ्ट आ चुकी है भारत के अंदर, काफ़ी बढ़िया सी दिखाई देने वाली लुक्स के साथ में आई है, और स्विफ्ट का अपने आप में ही एक ऑरा रहा है, एक फैन फॉलोइंग रही है। तो गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस गाड़ी का एक डिटेल ड्राइव रिव्यू माइलेज टेस्ट भी हम लेकर आने वाले हैं हमारे चैनल गाड़ीवाड़ी.com के ऊपर। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता है विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।